ओम शांति। आज की तारीख है 9/3/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे और विकारों की मैल भस्म होंगी। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? उत्तर है, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध हो जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। दूसरा है, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। तीसरी बात है, भोजन बहुत शुद्ध हो, बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। गीत बजा है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, बाप भले निष्कामी हैं, लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। नंबर दो, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं, आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है, बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का न्यारे और प्यारे पन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मैं बाप का कितना प्यारा हूँ, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा न्यारे हैं, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी उतने ही होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं, उसकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः और निरंतर याद रहती है, तो ये कल्प कल्प की प्रिय चीज है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकती? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।